आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। भगवान श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से पूर्व राम भक्त सनातनी व्यक्ति पूरे देश में उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में अलीगढ़ शहर में अयोध्या में होने वाले भगवान राम मंदिर का प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता अभियान चल रहा है। पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि भगवान श्री राम का फोटो लगे होर्डिंग को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा फाड़ कर ले जाता है। सूचना मिलने पर सेंटर पॉइंट चौराहे पर पहुंचकर देखा, दो व्यक्ति होर्डिंग फाड़ रहे थे। व्यक्तियों से पूछा, भाई इन बैनर होर्डिंग को क्यों फाड़ रहे हो? तो तब उनमें से एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम अक्रम बताया, उसने गाली गलौज कर कहा कि तू कौन होता है? मुझे मेरे बॉस उपेंद्र गुप्ता का आदेश मिला है, उसी के साथ ही ने मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिनके नाम अभी इस तहरीर में है, सबसे पहले इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जो उक्त दो लोग जो पहचान में आए हैं, एक है उपेंद्र गुप्ता, दूसरा है अक्रम, तीसरा अन्य अज्ञात व्यक्ति है। इनकी गिरफ्तारी अभी चाहिए किसी भी कीमत पर। आप कैसे गिरफ्तार करके लाएंगे ये आप जान रहे हैं, और इस पे मुकदमा दर्ज हमको चाहिए। सभी राम भक्त कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे श्री राम भक्त आज सेंटर में चौराहे पे इकट्ठे होकर के इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा सभी राम भक्तों से निवेदन है, कृपया अधिक से अधिक संख्या में सेंटर में चौराहे पे पहुंचे। एक लोकल ठेकेदार उपेंद्र गुप्ता, जिसका नाम है, जय श्री राम, 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 जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम, 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 जय राम जी का प्रताप अपन नहीं जाएंगे, हमारा राजा राम जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हमारा राजा राम जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जय श्री राम, बीच बजरंगे हर महादेव, जय राम, बीच बजरंगे हर महादेव। 550 सालों के बाद हमें ये मौका मिला है हमारे आराध्य को पूजने का। 5.5 साल तक हम जूझते रहे, और कोई भी आकर के इसको फाड़ देगा होर्डिंग को, हमारे भावनाओं को सब खिलवाड़ करेगा, नहीं सुनेंगे भाई साहब, नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ऐसे मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, तब हम लोग हटेंगे, अन्यथा यहाँ से कोई नहीं हटेगा। ये संख्या बढ़ती रहेगी, सेंटर पर जाम हो। आप
प्रॉब्लम एक हो तो बताई जाए, और कई बार बताने के बावजूद नहीं सुनवाई नहीं होती, उसमें क्या करना चाहिए बताइए भाई साहब। आपसे पहले भी कई अधिकारी आए, आश्वासन देके गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये मामला तो हर किसी की आस्था से जुड़ा हुआ है, ये मामला कोई हमारा या किसी और का नहीं है, ये आप हर किसी की मामला है, ये हर मेरे आराध्य हर किसी के आराध्य है। क्या मामला हुआ है यहाँ पर? सेंटर पॉइंट स्थित श्री हमारे सभी राम भक्तों ने अपना होर्डिंग विज्ञापन लगाए थे, यहाँ पे दो फ्लैक्स लगाए थे, पैसे बचाने, सब गरीब हैं, सब ने पैसे इकट्ठे कर करके पूरे देश में आप देख सकते हैं राम लहर की लहर चल रही है। 550 सालों बाद हमें श्री राम की प्रतिष्ठा नसीब हुई है, उसी कड़ी में सभी ने अपना होर्डिंग लगाए थे। एक लोकल ठेकेदार है उपेंद्र गुप्ता, उसने आसमानी तत्वों को, कुछ गैर समुदाय के लोग हैं, लड़के हैं, लेबर हैं, पता नहीं हमें कौन है, वो आकर के होर्डिंग को फाड़ने लगे। हमारे राम भक्तों ने इसका विरोध किया, विरोध करने पर उन्होंने श्री राम को गाली गलौज करी, चप्पड़े करी, लड़कों के मोबाइल तोड़े, गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी। मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।